तति। भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करता है, और संडे हो या मंडे, हाँ कई लोग बोलते हैं ना, संडे हो या बोलते हैं, वो लोग ज्यादा ध्यान से सुन लेना क्या लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये बात लिखी है, कुंभी पाके तप्त तैले नरके निपतति यस्त्वा उग्र पशुना पक्षिणो वा उपरंधयति। जो पशु पक्षियों को रांध करके खाता है, मारता है, हत्या करता है, वो कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। वहां क्या होता है? बोले वहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी होती है, जिसमें तेल खोलता रहता है, खोलता रहता है, उस खोलते हुए तेल में ले जाकर के इसको डाल दिया जाता है। ये छटपटाता है, चिल्लाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। यम के दूत भाले लेकर के इसके शरीर में छिद्र कर देते हैं, और फिर नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, चिकन मसाला डालते हैं, गर्म मसाला डालते हैं। ये छटपटाता है, निकलता है, अरे भैया एक दिन की छुट्टी दे दो, एक दिन की, आज तो संडे है, आज तो छुट्टी दे दो। यम के दूत कहते हैं, बेटा तू भी बोलता था संडे हो या मंडे, और हम भी बोलते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी। मरता नहीं है, क्योंकि भोग शरीर होता है, वो मरता नहीं है, वहां ऊपर तड़पता रहता है, जलता रहता है, जल करके कोयला हो जाता है, अंगारा हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, भगवान ने शाकाहारी और मांसाहारी अलग अलग बनाया है। आप कहोगे क्या पहचान है, जरा ध्यान से समझना, पहचान क्या है मांसाहारी शाकाहारी, और फिर सोचना कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है। शाकाहारी जीव के दांत बराबर बराबर होते हैं, गाय के दांत देखो बराबर हैं, बकरी के दांत बराबर हैं, भेड़ के दांत बराबर हैं, और मनुष्य के दांत एकदम बराबर बराबर, यानी शाकाहारी। और मांसाहारी के दांत, कुत्ते के देखना, बिल्ली के देखना, शेर के देखना, एक बड़ा एक छोटा, एक मोटा एक खोटा, हाँ दांत अलग अलग। अच्छा दूसरी पहचान और बताऊं, जो शाकाहारी जीव है ना, चाहे गाय है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, वो होठों से पानी पीता है, मुंह से, कभी गौर करना, बकरी मुंह से पानी पीती है, गाय मुंह से पानी पीती है, आप हम होठों से, मुंह से पानी पीते हैं ना, ऐसे मुंह से, और मांसाहारी कभी मुंह से नहीं पीता, चाहे बिल्ली शेर कुत्ता देख लेना जीव से। ये पहचान है शाकाहारी और मांसाहारी की। हम लोग किसी मुर्दे को लेकर के जाते हैं ना, तो महाराज आकर के नहाएंगे, बारी नहाएंगे, धोएंगे, ओ महाराज कितना अटम सटम करेंगे, और वो नहाने धोने वाले आदमी, हमने कई लोगों को देखा है कि मुर्दे को छू के आते हैं तो नहाते हैं, और अपने पेट में कब्रिस्तान बना रखा है, कई मुर्दे खा गए जिंदे, कई कई खा गए महाराज, कई कई मुर्दों को दफना दिया अपने पेट के अंदर में, और मुर्दे को छू के आते नहाते हैं, और कितने जीवों की कब्रिस्तान बना दिया अपने पेट के अंदर में। मेरे भाई, भगवान ने बनाया तो शाकाहारी है, लेकिन ये मनुष्य गलती से मांसाहारी बन गया, गलती से, संगत से, और ज्यादा मांसाहारी व्यक्तियों की क्या दशा होती है, जिन देशों में ज्यादा मांसाहार खाया जाता है, जहां उनके यहां देख लेना क्या स्थिति है। हमारे पड़ोस पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मांसाहारी मिलेंगे, शाकाहारी को इक्का दुक्का मिलेगा तो मिलेगा, भारत में ज्यादा शाकाहारी मिलते हैं, मांसाहारी कम है। पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम देश है, सब में ज्यादा मांसाहारी मिलते हैं, मांसाहारी ही मिलते हैं, शाकाहारी को गिना चुना होता है। तो आप देख लो वहां की स्थिति क्या है, ज्यादा आतंकवादी वहीं से पैदा होते हैं, ज्यादा मारकाट वहीं होती है, दया की कोई भावना नहीं होती है, कब किसको मार दे, महाराज वो मरने के लिए पैदा होता है, उनको यही सिखाया जाता है कि अगर मारोगे मरोगे तो वहां बेहतर हुरियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने कहते हैं अप्सराएं, उनको कहते हैं हुरियां, वो अप्सराएं बेहतर इंतजार कर रही हैं तुम्हारा, और उन अप्सराओं के चक्कर में मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या है, ये मांसाहार की प्रवृत्ति होने के कारण। कई लोग बोलते हैं महाराज मांसाहार में विटामिन होता है, कई लोग बोलते हैं इसलिए खाया, विटामिन होता है, अंडे में विटामिन होता है,
अरे जो मुर्गी उसकी गर्दन ऐसी मरोड़ दो है? उसमें ज्यादा विटामिन है या जो गाय का दूध? हाँ मेरे भाई, जो बछड़ा बड़े बड़े के हाथ नहीं आए, दो घंटे में ऐसे दौड़ने लग जाता है पैदा होने के बाद कि हाथ नहीं आए अपने, या उसमें ज्यादा विटामिन होता है? हाँ हमारी सोच है कि मांसाहार में, अरे मांसाहार में विटामिन नहीं होता। और ध्यान रखना, मांसाहारी जीव की लंबी आयु भी नहीं होती। आपने वो महाराणा प्रताप की कथा सुनी होगी, जब महाराणा प्रताप जंगल में, नाम सुना ना महाराणा प्रताप का, जब जंगल में महाराज चले गए और घास की रोटी खाया करते थे जंगल में जाकर के, और अकबर जो था वो मांस की बोटी खाने वाला था और महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने वाले थे। लेकिन ध्यान रखना, घास की रोटी खाने वाले को वो मांस की बोटी खाने वाला झुका नहीं सका जिंदगी में। झुका पाया क्या? यह है घास की रोटी की ताकत। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहे हैं और अकबर मांस की रोटी खा रहा है, लेकिन जिंदगी में कभी वो महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका। और आपने वो कविता सुनी होगी, जब महाराणा प्रताप अपने पुत्र को वो घास की रोटी बनी हुई दे करके, और जैसे ही महाराज चल दूर गए तो एक वन बिलाव जो मांसाहारी था, उसने मन में सोचा कि भैया इस घास की रोटी में ज्यादा ताकत है, मांस की बोटी में नहीं है, मैं भी आज घास की रोटी खाऊंगा। तो कुंवर के हाथों से, महाराणा प्रताप के पुत्र के हाथों से वो घास की रोटी लेकर के भागा। तो यहां तो नहीं, राजस्थान में एक कविता पढ़ाई जाती है, अरे घास री रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो रानारो सोयो दुख जाग्यो। वो घास की रोटी लेकर के जब वो भागा तो वो कुंवर यानी राजकुमार चिल्लाया, और तब ये समझ में आया कि भाई घास की रोटी की ताकत क्या होती है, ये उस वन बिलाव ने भी पहचान लिया। हाँ पर हम और आप नहीं पहचान पाते, इसलिए मेरे भाई उल्टी सीधी बातें करते हैं। घास की रोटी बहुत बड़ा महत्व रखती है, और जितनी ज्यादा बीमारियां होती है ना, ये ज्यादा उसी में होती है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे मुंह से हमने कोई रोटी खाई, निवाला बाहर निकल के गिर गया, मुंह से कोई चीज बाहर निकल गिर गई, कोई खा पाता है? कोई नहीं खा पाता। पता नहीं वो जीवों को कैसे खा जाते हैं। हाँ भोजन में एक बाल आ जाए तो नहीं खा पाते। हाँ नहीं खा पाते उस भोजन को जिसमें एक बाल है, न जाने कैसे खा जाते हैं जो किसी माँ का लाल है। पता नहीं, गंदगी खाने से मेरे भाई, देखो जैसा आहार वैसा विचार और वैसा ही व्यवहार। हमारा जैसा आहार होता है ना, आप कहोगे आहार से विचार कैसे बनते हैं? अच्छा आप मिर्ची खाओ, फिर कहो भैया शांति की बात करो, शांति की बात करो, मिर्ची खा के शांति की बात करेगा? ये आहार है मिर्ची में, मिर्ची में गुण है, मिर्ची खा के शांति। अरे जल्दी पानी ला, अरे भैया शांति रख, अरे अरे पानी ला, अरे शांति रखना, वो सिर फोड़ देगा आपका कि शांति रखो, मेरे तो आग लगी तो शांति की बात कर रहा है, यहाँ शांति हो रही है। तो ये कहावतें हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनी, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी मेरे भाई। हाँ आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। जब आहार शुद्ध होता है, आहार से ही सब कुछ बनता है मेरे भाई। हाँ देखो, आहार से ही हमारा शरीर बनता है, आहार से ही हमारे जीवन की शक्ति मिलती है, आहार से ही हमारी संतान बनती है। तो जैसा आहार होता है ना, वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है, वैसी ही हमारी संतान हो जाती है, और वैसी हमारी पीढ़ियां हो जाती हैं। इसलिए आहार पर बड़ा विचार करना चाहिए कि आहार हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं। आज एक बात सोचो, हम धन की तरफ तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं, पर ये जो जीवन धन शरीर है इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ब्रांडेड ब्रांडेड करते हो, हाँ ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड चश्मा हो, ब्रांडेड जूते हो, ब्रांडेड गाड़ियां हो,
तो ब्रांडेड शरीर भी तो होना चाहिए। अरे भाई ब्रांडेड चीज तो ब्रांडेड पे अच्छी लगेगी। ब्रांडेड चश्मा चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए। और शरीर किसी का मरा मराया सा, किसी का इतना फैल गया, किसी का मरा आंखें कट गई, किसी के गाल पिचक गए, किसी के फूल गए। क्या है सबसे ज्यादा ब्रांड अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो। अगर ये फिट है, ये सही है, तो मेरे भाई साधारण वस्त्र भी आप पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर ये खराब है तो चाहे कितने बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड लेके आ जाओ, कोई मतलब वाली बात है नहीं है। अरे भगवान का दिया हुआ ब्रांड तो हम खराब कर रहे हैं और दुनिया के बनाए हुए ब्रांडों पे हम नजर रख रहे हैं। हाँ, मांसाहार से बीमारियां पैदा होती हैं। और सजनों अंत में देखो, बुरे काम का बुरा फल आज नहीं तो निश्चय कल, सजा इसकी मिलती ही मिलती है। अगर हमने किसी को दर्द दिया है तो हमें दर्द जरूर मिलेगा। हाँ, आपने सुना है ना, एक कसाई बकरे को काटने के लिए जा रहा था। शाम का समय था, एक ग्राहक आ गया तो ग्राहक ने कहा 1 किलो चाहिए। मन में सोचा पूरा बकरा काट दूंगा तो सुबह वो बासी हो जाएगा, तो क्या करूं। बोले चलो मैं 1 किलो ही इसमें से काट लेता हूं। और जब काटने के लिए जाने लगा तो बकरा रो भी रहा है, हंस भी रहा है। तो कसाई ने कहा रे तू रो रहा है ये तो समझ में आ रहा है, पर हंस क्यों रहा है। बोले मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तेरा मेरा एक कर्म जोग तो पूरा हुआ नहीं, तो दूसरा खाता फिर चालू कर देगा। हम फोकट में ऐसे कर्म